हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न विद शेफाली तो आज हम लाइट चैप्टर के जो एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं चैप्टर के एंड में वो हम स्टार्ट कर रहे हैं वन टू नाइन क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और जो टेन से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके न्यूमेरिकल हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक तो है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं विथ वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस लेंस बनाने के लिए आपको फोर ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बोल रखा है कि कौन सा मटेरियल यूज नहीं होता है ठीक है अब लेंस आपको पता है लेंस कैसा होता है ट्रांसपेरेंट होता है आर पार दिखता है उससे ठीक है आर पार देख सकते हैं हम तो वाटर कैसा होता है वाटर हमारा कैसा होता है ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास कैसा होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है प्लास्टिक कैसी होती है अगर प्लास्टिक शीट आप देखें तो वो कैसी होगी ट्रांसपेरेंट होगी क्ले Clear, आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है आर पार हम उसमें से नहीं देख सकते हैं ओपेक नहीं होता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है ठीक है जी इतना क्लियर है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू है हमारा द इमेज फॉर्मड बाय द कॉन्केव मिरर अब कॉन्केव मिरर जो है इमेज फॉर्म कर रही है ठीक है इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से इमेज जो फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल हो रही है इरेक्ट हो रही है और लार्ज हो रही है वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अब आपको पोजिशन बतानी है ऑब्जेक्ट की अब आप देखो आपने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है हमने पूरी वीडियो पढ़ी है कि कहाँ कहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा जैसे पे हो फोकस पे होगा पोलियो फोकस के बीच में होगा इंफिनिटी होगा तो कहा कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होगी वो हमने बहुत आसानी से पढ़ा है ठीक है तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पड़ा हो सकता है इमेज कहाँ पे बन रही होगी यहाँ पे बन रही होगी इमेज ठीक है इमेज यहां बनेगी वर्चुअल इलेक्ट और लार्जर इमेज होगी तो दैट मीन्स अगर इंफिनिटी होती है तो काम पे बन रहा होता है इमेज फोकस पे हो रही होती है अगर बियॉन्ड सी होता है पीछे होता है तो फोकस और कन्वेचर के बीच में बन रही होती है इमेज ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं और ये आपका हो गया फोकस ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कन्वेचर अगर जैसे सेंटर ऑफ कन्वेचर फोकस पे पहुंच जाती है तो ये यह यहां पे बन रहा होगा ऑब्जेक्ट तो अगर मैं बोलू फोकस और इसके बीच में जब इमेज फॉर्म हो रही होगी अगर यहां ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे जाएगा यहां से होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा रिफ्लेक्ट होगा तो दैट मीन्स ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे ऐसे करके क्या बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी और यहां पे बन जाएगी तो ये आपकी वर्चुअल इलेक्ट और लार्जर इमेज बनेगी तो दैट मीन्स प्रिंसिपल और फोकस के बीच में क्या बन रही होगी आपकी इमेज फॉर्म हो रही होगी मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के ठीक है तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाता है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है ठीक है डी ऑप्शन थर्ड देखते हैं वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा कॉन्वेक्स लेंस के जिससे हमें रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको मिले जिससे आपको रियल इमेज मिले ठीक है तो अगर मैं बात करती हूँ कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका ठीक है यहां पे होता है एफ वन यहां होता है एफ टू यह होता है आपका टू एफ वन और ये होता है आपका टू एफ टू ठीक है ये ऐसे होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस अब इमेज फॉर्मेशन फिर से आपको लेंसेस की कॉनके व कॉन्वेक्स की मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन करवाई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई में आपको लिंक मिल जाएगा आप प्ले में जाके भी चेक कर सकते हैं तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है तो अब इमेज कहां पे फॉर्म हो रही होगी आपको ये बताना है अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से ऐसे ही लर्न कर लो कि यहाँ पे होगी तो इमेज कैसी फॉर्म हो रही होगी और यहाँ पे होगी तो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है अब रियल इमेज हमें फॉर्म करनी है तो रियल इमेज कैसे फॉर्म हो रही होगी वो आपको बताना है तो अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ इमेज फॉर्म हो रही होगी ठीक है तो कैसे जाएगी इमेज पहले पैर होगी यहाँ से फिर फोकस से पास हो जाएगी फिर ऑप्टिकल सेंटर से क्लियर हो जाएगी तो ऐसे ऐसे करके वो आगे कहाँ पे मीट हो जाएगी वो टू एफ टू पर यहाँ पे मीट हो जाएगी तो ये क्या होगा ट फोकल लेंथ तो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे क्या हो रहा होगा ऑब्जेक्ट बी प्लेसड यहां पर हमने टॉइस ऑफ द फोकल लेंथ यहाँ पे आपकी इमेजेक्ट रखा गया और यहां पर क्या हुआ इमेज फॉर्मेशन हुआ टू एफ टू पे ठीक है तो अब आपको यही लिखना है एट टॉइज द फोकल लेंथ तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है ठीक है इतना क्लियर हो रहा है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दट इज फोर्थ क्वेश्चन अस्पेरिकल मिर एंड spherical lens have a equal focal length of फिफ्टीन सेंटीमीटर द मिरर एंड द लेंस आर इक्वली टू भी तो अब स्पेरिकल मिररर की बात की गई है और इसमें लेंस की भी बात करी गई है दोनों की ही बात की गई है जिसमें आपकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी होगी माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर दे रखी है तो ये आपको बताना है कि ये कॉनकेव है कॉनवेक्स है क्या है अब मैंने आपको जब एग्जांपल्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको जब लिख के बताया था यू वी एफ तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉनकेव में जो होती है दोनों की ही फोकल लेंथ क्या होती है माइनस में होती है ठीक है और कॉन्वेक्स में क्या होती है जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है तो इसमें भी आपको वही चीज बतानी है कि अ अ मिरर एंड थिन अमेरन लेंस हैव इक्वल फोकल लेंथ दैट इज माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर तो तो किसके अंदर जो है वो माइनस होगी दैट इज कॉन केफ के अंदर माइनस में होगी ठीक है तो फोकल लेंथ दोनों में ही क्या होगी नेगेटिव होगी तो आप देख सकते हैं आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा दैट इज बोथ आर कॉनकेव ठीक है अगर पॉजिटिव की बात की गई होती है यहां पे तो कॉन्वेक्स लिखते हैं ठीक है इतना क्लियर हो गया आगे ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखिए नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर चाहे आप कितनी भी दूर मिरर से खड़े हो योर इमेज अपियर इरेक्ट आपकी जो इमेज होगी बिल्कुल सीधी ही दिखाई देगी आप सीधे ही खड़े हो चाहे आप कितनी भी दूरी पे जाके खड़े हो जाओ ठीक है द मिरर इज लाइकली टू बी तो आपका मिरर कैसा होगा सबसे पहले हम प्लेन मिरर हमारे घर में यूज होता है हम उसके सामने जब खड़े हो जाते हैं तो हम अपने आप को वैसा ही देख पाते हैं जैसे हम खड़े मतलब सीधी ही दिखाई देती है हमें ठीक है सीधी ही हमें दिखाई देती है अब कुछ बच्चे क्या कर करते हैं ए पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते लेकिन आगे हमें ऑप्शन पढ़ने चाहिए तो प्लेन तो होती है लेकिन कॉन्वेक्स भी होती है अब कॉन्वेक्स जो होते हैं व्हीकल्स में जब यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर लिखा जो रहता है ठीक है रियर व्यू मिरर पे तो जब उस पर लिखा रहता है तो आपको क्या गाड़ियां पीछे की क्या उल्टी दिखाई देती है उल्टी नहीं दिखाई देती आपको सीधी ही दिखाई देती है सीधी दिखाई देती है तो जिसकी वजह से आपका कॉन्वेक्स मिरर भी इसके अंदर आ जाता है तो आईदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं ठीक है तो डी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है ठीक है इतना क्लियर है सिक्स्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाई रीडिंग अ स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी तो अब स्मॉल लेटर्स आप डिक्शनरी में देख पाओ तो कौन सा लेंस आप प्रेफर करोगे जो आप अच्छे से देख पाए ठीक है तो कॉनकेव लेंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो क्या होता है उसकी जो पावर होती है वो हमें लार्जर पिक्चर नहीं दिखाता है कॉनकेव लेंस ठीक है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है इसमें आपको फोकल लेंथ जो होगी वो आपको दे रखी है तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे लेकिन हमारा क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को बड़ा दिखाता है जैसे डिक्शनरी में अगर स्मॉल लेटर्स होंगे तो वो बड़ा दिखाएगा अगर आपको फोकल लेंथ के बारे में बताऊं तो पावर का फॉर्मुला क्या होता है पावर इज इक्वल्स टू वन ऑफ फोकल लेंथ होता है अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या होगी बढ़ जाएगी तो इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए और कॉन्वेक्स लेंस किस लिए यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस किसी भी चीज को अगर रखते हैं डिजिट पे तो वो हमें बड़ी दिखाता है ठीक है तो कॉन्वेक्स लेंस का ये है तो कॉन्केव का बी और डी ऑप्शन हट जाता है हमारा तो ए या सी में से है तो मैंने आपको बताया फोकल लेंथ कम होनी चाहिए तभी पावर आपकी बढ़ जाएगी ठीक है तो कॉन्वेक्स लेंस फोकस फोकल लेंथ फाइव सेंटीमीटर तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है ठीक है इतना क्लियर है आपको ये चीज याद रखने की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए तभी पावर ऑफ लेंस जो है वो बढ़ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है वी विश टू ऑप्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें क्या चाहिए इरेक्ट इमेज चाहिए सीधी इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट की यूजिंग ऑफ कॉन्केट मिरर कॉन्केट मिरर का हमें यूज करना है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी फिफ्टीन सेंटीमीटर होगी वट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर क्या रेंज है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या नेचर है इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस अब आपको केस याद आ गया होगा आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली होगी तो जो हमने इमेज फॉर्मेशन की वीडियो में हमने पढ़ा था तो सब कहाँ पे हमारी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही थी जो हमारा सबसे लास्ट में था सबसे लास्ट में क्या था हमारा केस ये आपका है कॉनकेव ठीक है ये आपका हो जाता है फोकस इन दिस इज सेंटर ऑफ कन्विच दिस इज पोल ठीक है तो इमेज कहां पे लास्ट वाले कहां पे फॉर्म हो रही थी यहां फॉर्म हो रही थी दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में तो मैं बोलती हूँ यहां पे फॉर्म हो रही थी अब इसमें जो 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये इसकी लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर ठीक है यहां पे 15 सेंटीमीटर के मैं तो इमेज का फॉर्म हो रही है यहां पे हो रही होगी तो वो क्या जाएगी इससे टच होगी ठीक है स्ट्रेट जाएगी फिर वो किससे पास हो जाएगी फोकस से पास हो जाएगी ठीक है यहां से गई और यहां पे पास हो गई और नेक्स्ट कौन सा है हमारा नेक्स्ट है हमारा कि सेंटर ऑफ कन्वेचर से पास हो रही होगी तो मैं बोलती हूं कि ये ऐसे करके ऐसे पास हो जाएगी ठीक है अब मैं बोलती हूं कि यहां पे तो कोई ऐसे ज्वाइन हो ही नहीं रहा है तो हम क्या लेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब इमेज कहां बन रही होगी यहां बन रही होगी ठीक है और देखो कितनी लार्जर इमेज बन रही है ये ठीक है ये जो लार्जर इमेज बन रही है यही तो बोला गया था तो इसमें पूछा गया ना लार्जर एंड स्मॉलर तो दैट मीन्स लार्जर इमेज बन रही है इसकी ठीक है और ये हमने लास्ट वाला इमेज फॉर्मेशन करा है ठीक है तो अब आप इसको लिखोगे कैसे आंसर देखिए आपको ऐसे लिख कॉन्केव इज 15 सेंटीमीटर फोकल है है ठीक सबसे पहले हमने ये देखा है जब हम इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा बिटवीन पोर एंड प्रिंसिपल फोकस ठीक है ऑफ द गिवन कॉन मिरर एट द डिस्टेंस लेस देन ये less than 15 ही तो बना रहे हैं हम ठीक है ये क्या है ये लेस देन ही तो है ठीक है द इमेज इज फॉर्म ए बी तो मैं इसका नाम दे देती हूँ इमेज फॉर्म हो रही है इज वर्चुअल एंड तो इधर बैक ऑफ द मिरर बन रही है ठीक है ठीक है, ठीक है? तो ये हो क्या होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई तो साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट तो ये दो चीज पूछी गई है एक तो इमेज हमें फॉर्म करके दिखानी है और स्मॉलर है लार्जर है वो हमें बताना है और रे डायग्राम बनाना है तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो जैसे इसमें रे डायग्राम बनाने को बोला गया है द तो रे डायग्राम रे डायग्राम इज एज गिवेन हेयर ठीक है ये भी आप लिख सकते हो इसमें क्योंकि स्पेशली बोला गया कि रे डायग्राम आपको बना के दिखाना है ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए देखिए नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन तो किस टाइप का मिरर यूज होगा इस सिचुएशन में तो पहला है आपका हेडलाइट ऑफ द कार हेडलाइट हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है हेडलाइट में होता है कॉनकेव बिकॉज वो क्या होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर तो जिससे हमें क्या मिलती है पैलर बीम ऑफ लाइट मिलती है रिफ्लेक्ट होने के बाद तो हमारा कौन सा यूज होता है इसके अंदर कॉनकेव ठीक है नेक्स्ट है आपका साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल तो ये तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें कौन सा यूज होता है कॉन्वेक्स होता है तो कॉन्वेक्स जो होता है अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल ठीक है कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट एंड डिमनिश्ड इमेज ऑफ द व्हीकल कमिंग बिहाइंड थाज इट प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू टू द ड्राइवर जिससे वो पीछे का बहुत अच्छे से दिखा पाता है वाइडर व्यू दिखा पाता है इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं कॉनमेक्स यूज करते हैं है, और हेडलाइट्स में हम कौन सा यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर यूज करते हैं है, जिससे फिटेड एट द प्रिसिपल फोकस पे वो फो फिट हो जाता है जिससे हमें पावरफुल और पैरल भीमो ऑफ लाइट मिलती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा सोलर फर्नल तो सोलर फॉर्नल में भी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिररर यूज होता है तो इसमें क्या है लार्जर साइज कॉन्केव मिररर हम यूज़ करते हैं जिससे हम सनलाइट पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए और जिससे हीट प्रोड्यूस हो सोलर फर्नल्स में ठीक है है? ठीक है? ये हमारा focus है. अब क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारी क्या है इंफिनिटी सनलाइट आ रही है ठीक है तो ये क्या होगी कॉन्केव मिरर में ये फोकस है तो ये फोकस पे क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी अगर मैं यहां पर कूकर रख दू अगर मैं यहाँ पे कुकर रख दूँ और उसमें कुछ सब चीजें हूं तो क्या होगी हीट इस पे प्रोड्यूस होगी कुकर पे ठीक है तो ये क्या होगा आपका फोकस जैसे हमने पढ़ा है कि यहाँ से रे आई और वो फोकस से पास हो गई तो यही होगी ये वाली भी पास हो जाएगी ये वाली भी पास हो जाएगी सब रिफ्लेक्ट होकर पास हो जाएगी तो वही चीज बोल रखी है फ्रॉम इन्फिनेटी ठीक है तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ठीक है आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है वन हाफ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इसमें क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि एक हाफ कॉन्केव लेंस जो है वो क्या वो कवर किया गया है ब्लैक पेपर से ठीक है विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन अब क्या है हमारे पास कॉन्केव लेंस है ठीक है ये कॉन्केव लेंस है हमारा यहाँ हो जाता है एफ वन ये हो जाता है आपका टू एफ वन ये हो जाता है एफ टू और ये हो जाता है टू एफ टू ठीक है ये है हमारा ओके इसमें बोला गया है अगर आधा अगर मैं इतना पार्ट क्या कर दूँ ब्लैक पेपर से कवर कर दूँ अगर मैं इतना पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर देती हूँ तो क्या हमारा इमेज जो है वो फॉर्म हो पाएगी कंप्लीट इमेज फॉर्म हो पाएगी तो इसका आंसर है हाँ कंप्लीट इमेज फॉर्म तो होगी लेकिन अगर मैंने ये ब्लैक पेपर से ढक दिया है इसको तो बहुत ज़्यादा ब्राइटर और क्लियर इमेज नहीं आ पाएगी ठीक है कंप्लीट इमेज आएगी लेकिन कुछ कुछ ब्राइटर क्लियर इमेज नहीं आ पाएगी अगर मैं ये ब्लैक पेपर ना होता तो एकदम बहुत ही क्लियर इमेज फॉर्म होती ठीक है तो मैं करके दिखाती हूं अगर मैं यहां पे रख देती हूं कैंडल ठीक है यहां है आपकी कैंडल ठीक है तो अब कैंडल की इमेज फॉर्मेशन होनी है तो कैसे होगी सबसे पहले ये कैंडल जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी इमेज कैसे फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले किससे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पहले फोकस से पास होगी देन वो कहां चली जाएगी पैरलर चली जाएगी तो कहां इमेज फॉर्म होगी दोनों की इमेज फॉर्मेशन हो रही है ना यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रही है होगी उल्टी इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ पे ठीक है तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका दीपक दिखाई देगा मतलब कैंडल आपको दिखाई देगी ठीक है बस ये इतनी क्लियर नहीं होगी इतनी ब्राइट नहीं होगी दैट्स एट लेकिन इमेज फॉर्मेशन होगी तो ये हमने पिक्चर बना के दिखा दिया ऑब्जर्वेशन करके दिखा दिया अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देती हूँ कि कैसे कैसे हमने करा है ठीक आप देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं टेक अ कॉन्वेक्स लेंस हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना है उसे हाफ पार्ट उसका कवर कर देना है ब्लैक पेपर से उसे प्लेस हॉरिजॉन्टली उसे प्लेस करना है स्टैंड में एक साइड से हमें बर्निंग कैंडल लेना है ऑपोजिट साइड पे आप यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन लगा सकते हो ठीक है एडजस्ट द पोजीशन ऑफ कैंडल और द स्क्रीन विद क्लियर इमेज ऑफ द बर्निंग कैंडल इज फॉर्म्ड तो आप दोनों को एडजस्ट कर लो जिससे क्लियर इमेज दिखाई दे तो इमेज कंप्लीटली हमें दिखाई देगी ठीक है तो हमने लास्ट में क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है कि इमेज की जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो गई देन सम पार्ट ऑफ द लेंस इज ब्लॉक्ड जब अगर हमने आधा पार्ट जो है ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से क्या हो गई है इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम हो गई है ठीक है ब्लैक पेपर की वजह से आधा लेंस कवर करने की वजह से ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है ठीक है एज ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चे हुए क्वेश्चन करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कीप सपोर्टिंग मी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय